नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 इसका पहला प्रश्न आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला गुणनफल है x+4 × x+10। ये जो है ये हमारे पास एक सरल समीकरण थी x+a × x+b जो बराबर होती है x² + a + b × x + ab के बराबर। ठीक है बच्चों, तो हम अपना जो क्वेश्चन है x+4 × x+10 इसे इस सरल समीकरण के साथ मिलाकर देखते हैं। देखिए x की जगह x, a की जगह 4, x की जगह x, b की जगह 10। इसे हमें क्या प्राप्त हुआ, a किसके बराबर आया 4 के बराबर, b किसके बराबर आया 10 के बराबर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट x किसके बराबर है, x के ही बराबर है। ये तीन चीजें हमने जरूर हर क्वेश्चन में नोट करनी है कि x किसके बराबर है, a किसके बराबर है और b किसके बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन बनेगा, देखिए x² किसके बराबर था, x के ही बराबर, तो x² + a। a किसके बराबर है 4 के, प्लस b किसके बराबर है 10 के, इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर है, एक्स के ही बराबर है, प्लस ए बी, ए है 4 और बी है 10, तो ए बी होगा 4 × 10। ए बी मतलब ए गुना बी, इसे मैं एक ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि ये बाकी से थोड़ा डिफरेंट दिखे। अब इसे आगे हल करेंगे, x² + 4 + 10 होता है 14, साथ में है एक्स, प्लस 4 × 10 होता है 40, 4 × 40। तो हमने सरल समीकरण का प्रयोग किया, कौन सी सरल समीकरण, x+a × x+b = x² + a + b × x + ab। इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हमने इस गुणनफल को ज्ञात किया है। आइए इसका एक और भाग देखते हैं। अगला भाग हमारे पास है x+8 × x-10। इसके लिए फिर से हम वही सरल समीकरण का दोबारा प्रयोग करेंगे, x+a × x+b ये बराबर होता है x² + a + b × x + ab के। ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, x किसके बराबर है, x के बराबर, x के, a किसके बराबर है, देखो यहां है 8 यहां है a, तो a किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया, a बराबर है 8 के। b किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखना, ये है x x + b 10। ठीक है, तो b किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर नहीं बेटा, क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस, तो b बराबर होगा -10 के, b बराबर होगा -10 के। ये मैं शुरू में ये अलग से इसलिए लिखवा रहा हूं सो दैट आपको ये बाद में आसानी रहे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको यहां लिखने के बिना ही आपको यहां से देख के पता लगेगा a 8 b -10 के बराबर है। अब इन वैल्यूज को, इन तीन वैल्यूज को हम यहां भर देंगे, देखो कैसे, x किसके बराबर था, x के बराबर, तो x² + a, a किसके बराबर है, यहां मैं दूसरी ब्रैकेट डाल रहा हूं, बड़ी इसका रीजन अभी समझाऊंगा, a किसके बराबर है देखो 8 के बराबर, प्लस प्लस b किसके बराबर है -10 के बराबर। अब यहां दो साइन इकट्ठे नहीं हो सकते इसलिए छोटी ब्रैकेट, इसीलिए यहां बाहर बड़ी ब्रैकेट डाली थी, इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर है, एक्स के ही बराबर है, प्लस ए बी, ए किसके बराबर है 8 के, गुना बी किसके बराबर है -10 के, फिर से दो साइन अलग करने के लिए यहां छोटी ब्रैकेट, तो बाहर आ जाएगी बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे, बड़े आसानी से हल होगा, बहुत आसान है बच्चों, x² ध्यान से देखो, प्लस 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 8 × 80। अगले स्टेप में x² + 8 - 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 माइनस किया 2, साथ में है x,
साइन बड़ी रकम का 8 और 10 में से बड़ा है 10, 10 के साथ साइन है माइनस का, तो यहां आ जाएगा माइनस, साथ में है 80। इस प्रकार से हमने एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इस सरल समीकरण का प्रयोग करके इस गुणनफल का ये हल निकाला है। इसके बाकी इस प्रश्न के बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को जरूर देखना। ये वीडियोस अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इनको जरूर लाइक करना, आपके लाइक करने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। धन्यवाद।